हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस एचडी टेक की सीरीज में। इसमें हम सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ आपके सामने प्रस्तुत है, ताजा और गर्मा गर्म खबरों के साथ जो कि टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। पहले जो न्यूज आ रही है वो आ रही है जियो की तरफ से। जियो ने 888 का पोस्ट पेड मंथली प्लान जो है वो लॉन्च किया है, जिसकी आईपीएल के लिए स्पेशली लॉन्च किया हुआ है। इसमें 15+ ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, जियो सिनेमा हुआ, अमेजन प्राइम हुआ, नेटफ्लिक्स, इन सब के लिए स्पेशल ये प्लान लॉन्च किया गया है, जिसमें 15+ ओटीटी सर्विसेज इंक्लूडेड है। इसके साथ इसमें 30 Mbps की जो स्पीड है वो प्रोवाइड की जाने वाली है, और ये जो है 31 मई तक ये ऑफर वैलिड है। तो अगर आप इस ऑफर को लेना चाहते हैं तो आप 31 मई से पहले पहले इस ऑफर को बुक कर सकते हैं 888 में, पूरे मंथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है रियलमी का है, रियलमी GT 6T जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, जो कि Snapdragon 7+ Gen 3 के साथ ये आ रहा है, और ये 31,999 रुपीज़ में ये आपको अमेजोन पे सेल के लिए जल्दी ही मिल जाएगा। ये फोन जो है ये 3 वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है, जिसमें 8 GB प्लस 128 GB, 8 GB प्लस 256 GB और 12 GB प्लस 256 GB स्टोरेज में ये 3 वेरिएंट में फोन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने जो अभी नया अपडेट आया है, जिसमें पूरी तरीके से जो इसकी इंटरफेस है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एंड्रॉयड प्लस आईओएस दोनों जो डिवाइसेस यूज करते हैं उन सभी में ये जो डिफरेंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको चेंज देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये नए अपडेट का यूज करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप को अपडेट करें और इस न्यू फीचर का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है पुराने व्हाट्सएप से बहुत चेंज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज जो पोको की तरफ से आ रही है। पोको जो है 4 साल पहले इंडिया में इवेंट किया था, इसके बाद से कोई इवेंट किया नहीं था, लेकिन अब जो है जल्द ही पोको इंडिया के अंदर एक और इवेंट करने जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि पोको F6 जो है ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च करे इस इवेंट के अंदर। तो देखते हैं ये इवेंट कैसा होने वाला, क्या किस टाइम पे और कहाँ पे होने वाला है, इसके बारे में जैसे डिटेल्स मिलेगी आने वाली वीडियोस में आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज ये सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने One UI 6.1 अपडेट जो आया था, इसमें बहुत सारे जो इनके लेटेस्ट डिवाइसेस है, जैसे कि सैमसंग Galaxy G Fold 4 डिवाइस हुए, सैमसंग G Flip 4 डिवाइसेस, S8 सीरीज टेबलेट की और Flip 3 जैसे जो लेटेस्ट डिवाइसेस है, इन सभी में राउंड सर्कल टू सर्च का जो ऑप्शन है वो सामने देखने को मिला है, और AI सपोर्ट भी इसमें जल्द मिल AI सपोर्ट भी इसमें देखने को मिला है, जिससे सर्चिंग जो है वो आसान हो जाएगी। तो देखते हैं ये फीचर्स कितना कामयाबी है, और आपके पास फोन में जो अगर आप ये यूज़ करते हैं, अगर G Fold 4 वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसमें अपडेट आया है, तो आप एक बार चेक करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये अपडेट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट न्यूज जो है वो मोटोरोला की तरफ से आ रही है। मोटोरोला Razr 55G जो है वो यूरोपियन मार्केट में जल्दी लॉन्च हो सकता है। इसकी प्राइसिंग और कुछ कलर वेरियंट सामने आया है, जिसमें पता चला है लगभग 60,000 इंडियन रुपीज के हिसाब से ये देखने को मिल सकता है मार्केट में। बाकी अभी ये किस प्राइस सेगमेंट में इंडिया में लॉन्च होता है ये देखना होगा। इसमें बताया जा रहा है कि कुलकॉम का Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसके साथ इसमें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि एक तरीके से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज, बढ़िया अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं ये जितनी जल्दी अपने इंडिया में लॉन्च होने वाला है और किस प्राइस सेगमेंट में ये इंडिया में लॉन्च होता है। यूरोपियन मार्केट में तो ये 56,000 के आसपास में ये लॉन्च होने वाला है। इस हफ्ते बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं, जिसकी कुछ अपडेट्स जो मैं आपको जल्दी एक न्यू वीडियोस में बना के जो है वो दे दूंगा। बाकी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।